बड़ी खबर श्रीलंका से, जहां पर श्रीलंका में आत्मघाती हमला। जी हां, ब्लास्ट में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं धमाकों में 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ईस्टर पर्व के मौके पर लोग चर्च में एकत्रित हुए थे, तो वहीं आपको बता दें कि पहला धमाका कोलंबो में सेंट एंटीन चर्च में हुआ, दूसरा धमाका राजधानी के बाहर नेगोम्बो कस्बे में सेबेस्टियन चर्च में हुआ, तो वहीं तीसरा धमाका पूर्वी शहर बाटिकालो के चर्च में हुआ। द आपको बता दें कि द शांग्रीला, द सिनामोन ग्रैंड और द किक्सबरी होटल को भी निशाना बनाया गया है इस धमाके में। आपको बता दें कि श्रीलंका में आत्मघाती हमले की चेतावनी वहां के पुलिस प्रमुख ने पहले ही दे दी थी। जी हां, श्रीलंका में आत्मघाती हमला बता रहे हैं आपको। हालांकि ब्लास्ट की जिम्मेदारी अभी तक भी किसी संगठन ने नहीं ली है, और हमले के बाद सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगे देश के सभी स्कूल। श्रीलंका में हुए सीरियल ब्लास्ट पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी दुख और शोक जताया है। श्रीलंका से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में ये एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, और जिससे पूरा श्रीलंका अब दहल चुका है। अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। ये नहीं कह सकते कि यह आतंकवादी हमला है या फिर धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ईस्टर के मौके पर ईसाई धर्म के कई लोग मास प्रेयर कर रहे थे कि इसी दौरान ये बड़ा धमाका, और जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, और पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके इस बात का दुख जताया है। एक तरफ जहां पूरे देश में ईस्टर पर्व की धूम है, तो वहीं श्रीलंका में ये बड़ा आत्मघाती हमला। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी दुख जताया है, और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस बात का दुख जाहिर किया है। बम धमाकों से पूरा श्रीलंका अब दहल चुका है। चर्च के साथ साथ होटल्स को भी निशाना बनाया गया। 5-स्टार होटल्स हैं श्रीलंका के कोलंबो के, जिनको निशाना बनाया गया है, और अभी तक भी ब्लास्ट की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली है। और इसी के मद्देनजर अपन कह नहीं सकते हैं अभी भी कि आतंकवादी हमला है या फिर कोई और साजिश। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है, और ब्लास्ट में अब तक 100 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।